हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल एसएस इलेक्ट्रिकल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिक्सर ग्राइंडर के फील्ड कॉइल किस तरह से वाइंड करने। फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमने दो वीडियो बनाए जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। वो उसमें हमें 8 वायर फील्ड कॉइल कैसे वाइंड करना है और 85 mm का फील्ड कॉइल कैसे वाइंड करना है ये देखा है। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 38 नंबर या 42 mm का जो फील्ड कॉइल होता है उसका वाइंडिंग डाटा और एक वाइंडिंग किस तरह से करना है ये देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका फील्ड कॉइल का साइज 38 mm का इसका साइज है और इसके आईडी की बात करें तो ये लगभग 40 से 41 mm इसका आईडी है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें इसका पेपर का साइज़ निकालना है। इसका पेपर का साइज़ किस तरह से निकालना है देख लेते हैं। अगर हमारा फील्ड कॉइल मान के चलिए कि 40 mm का फील्ड कॉइल है तो हमें इसका साइज़ 2-2 mm से साइड से छोड़ देना है, मतलब 42 mm का इसका साइज़ लेना है। तो हमारा फील्ड कॉइल 38 mm का फील्ड कॉइल है तो हमें इसका 42 mm का इसका साइज़ लेना होगा। तो हमें इसमें 42 mm का जो मार्किंग करके इसका पेपर कट कर लेते हैं। हमें इसके लिए 4 पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका पेपर कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसमें जो लंबे वाला साइज़ है 42 mm का साइज़ निकाल के लंबे वाला मार्किंग करके इसके बाद 10 सेंटीमीटर पर इसका मार्किंग कर लिया है। तो हमें इसके 4 पीस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके पेपर को जल्दी से कट कर लेते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसके 4 पीस कर लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें एक नंबर स्लीव का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 स्लीव लेंगे, एक नंबर के 2 स्लीव लेंगे। इसके बाद हमें जो एक स्लीव होगा पूरा उसके 4 पीस करना है, वो हमारे स्पीड के लिए और कॉमन के लिए होगा। और जो हमारा दूसरे वाला स्लीव है उसके हमें 6 टुकड़े करने हैं। तो हम ये हमें ब्रश के जो लीड होते हैं उसके लिए यूज़ होगी। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो एक स्लीव का हमें 4 पीस कर लिए। इसके बाद हमने जो लंबे वाला दूसरा वाला स्लीव है उसके हमें 6 पीस करने हैं। सबसे पहले आधा करके जो आधा वाला पीस है उसको हमें 3 भाग में डिवाइड करना है, मतलब कट करना है। तो ये हमारा बराबर मार्किंग हो जाएगा। तो सबसे छोटे वाला जो स्लीव है वो हमें ब्रश के लिए यूज़ करना है, जो ब्रश के लिए वायर जाएगा। और जो लंबे वाला 4 साइज़ टुकड़ा है पीस है वो हमें कॉमन के लिए और 3 स्पीड के लिए यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कॉइल का साइज़ निकालना है। तो हमें कॉपर वायर लेंगे। कॉपर वायर लेने के बाद कुछ इस तरह से एक अंदाज से, आप देख सकते हो अंदाज से इस पे वायर का, कॉपर वायर का साइज़ निकालना है और इसे बाकी का जो कॉपर वायर है वो कट कर लेना है। जब तक आपका साइज़ नहीं परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है कि इसका कॉइल का साइज़, मतलब जो हमने साइज़ निकाला है वो हमें कम करते रहना है। एक पकड़ की मदद से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसका साइज़ कम कर देंगे। इसके बाद फिर से हमें देखना है कि ये साइज़ परफेक्ट आया कि नहीं। चले फ्रेंड, हम फिर से इसे देख लेते। आप देख सकते हैं थोड़ा और लंबा है, इसे और थोड़ा सा कम कर देंगे। अगर फ्रेंड्स आपका कॉइल का साइज़ सही होगा ना तो एक कॉइल भी अच्छी तरह से बैठेगी और आपको फिनिशिंग देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक फिनिशिंग आ जाएगी कॉइल की। तो फ्रेंड्स, ये कॉइल का साइज़ परफेक्ट हो चुका है। तो देख सकते हो कि जब हम कॉइल का साइज़ निकालते हो फील्ड कॉइल की नॉर्मल बाहर आना चाहिए, तभी एक फील्ड कॉइल का साइज़ परफेक्ट निकल जाएगा। ये दोनों तरफ से आप देख सकते हो कि हमने इसका साइज़ इस तरह से निकाला है। फ्रेंड्स, इसका कॉइल का साइज़ 7.5 इंच का इसका कॉइल का साइज़ निकला है। तो आप अगर आप 38 नंबर का फील्ड कॉइल होगा आपके पास और इसका वाइंडिंग करना हो तो 7.5 इंच का कॉइल का साइज़ निकल के आप बिंदास परफेक्ट फील्ड कॉइल वाइंडिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे पास एक मोटर जो वाइंडिंग जो फार्म आता है वो फार्म है, उसमें जो सबसे छोटा वाला कॉइल हम डालते हैं उस कॉइल में हमें इसका साइज़, जो हमने कॉपर वायर का साइज़ निकला है वो हम इसका कॉइल साइज़ डाल के इसमें फार्मा सेट कर देते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास दूसरा भी फार्मा होगा तो आप इस कॉइल को, मतलब जब हमने साइज़ निकाला है वो साइज़ को उसमें डाल के कॉइल तैयार कर सकते हो। आपको ये फार्मा चाहिए ऐसे कोई बात नहीं है। तो चलिए हम इसको सेट कर देते हैं।
फ्रेंड्स इसमें हमें 27 नंबर का कॉपर वायर का यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जो सिंगल वाला कॉइल होता है पूरे उसमें टर्न डालने पड़ते हैं, वो सिंगल वाला कॉइल हम इसमें सबसे पहले तैयार कर लेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हमें 300 टर्न लगाने हैं, इसको 27 नंबर वायर से 300 टर्न लगाने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका सबसे पहला कॉइल तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसका 300 टर्न लगा के इस कॉइल को कंप्लीट कर लिए। तो फ्रेंड्स हमें इसमें क्या करना है कि अभी स्लीव डाल के इसका जो लंबे वाला स्लीव और एक छोटा वाला स्लीव हमने कट कर लिया था, एक ब्रश के लिए जाएगा और यार हमारा कॉमन वायर हो जाएगा। यह हमें इसमें स्लीव डाल के सेलो टेप लगा के इस स्लीव को फिक्स करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी से इसमें दोनों साइड से स्लीव लगा के सेलो टेप लगा के इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो आपने हमने जो पहले वाला स्लीव लगाया वो हमारा कॉमन का स्लीव है और एक जो छोटे वाला स्लीव है वो हमारा ब्रश के लिए जाएगा, वो हमारा ब्रश का कनेक्शन है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें कॉइल निकालने के लिए ध्यान रखना है कि जो होल वाला साइड है उसी साइड से कॉइल निकालने है, क्योंकि डबल हमें इसका साइज़ निकालने में कोई एडजस्ट नहीं होगा। मतलब फिर से कॉइल की साइज़ जो निकाली थी वो डाल के हमें देखना पड़ेगा और फिर से फार्मा सेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो जिस होल से हमने इस फार्मा को निकाला था वही होल पे हम इस फार्मे को फिर से सेट कर देंगे, कोई साइज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने पेपर के पीस 4 कट कर लिए थे वो पीस हमें इसमें डाल लेना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे, इसके बाद हमने जो इसमें सेलो टेप लगाना है, बीच में सेलो टेप लगाना है और सेलो टेप को जहाँ पे हमने स्लीव का सेलो टेप पहले से लगाया था वहाँ पे इसको लगा के कुछ इस तरह से इस पेपर को इस पर फोल्ड करना है। लेकिन फ्रेंड्स जितना इसका कॉइल का फोल्ड करने के करते समय हम टाइट रखेंगे उतना ही अच्छा कॉइल बैठ जाएगा, आपको कोई परेशानी फिनिशिंग देने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स हमें दूसरा वाला साइड है उसमें भी हमें पेपर डाल के जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने दोनों साइड से पेपर लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि हाथों से थोड़ा सा इसको फिनिशिंग देना है क्योंकि जल्दी से बैठ जाए। अगर हाथों से थोड़ा सा फिनिशिंग दिया, ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा फिनिशिंग देके हम इसको कॉइल को बहुत आसानी से बैठा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें जो फील्ड कॉइल है, हमने जो कॉइल तैयार किया है इसको हमें दोनों साइड से सेलो टेप से ऐसे सेलो टेप लगाना है। वीडियो में आप देख सकते हो इस तरह से हमें सेलो टेप लगाना है, क्योंकि जब हम इसमें टाई लगाते हैं, टाई जब खींचते हैं तो ये क्या होता है कि कॉपर वायर इधर उधर साइड में जाता है, तो अगर सेलो टेप लगाएंगे तो अच्छे देखा गया और इसमें जो वायर होता है वो वायर साइड में नहीं जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें गैस किट लगाना होगा, क्योंकि गैस किट से क्या होगा कॉइल जो फील्ड कॉइल है उसको जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो पीछे वाला कॉइल के जो साइड वाला हिस्सा होता है वो कॉइल को नहीं घिसेगा। तो कुछ इस तरह से हम इस गैसकेट को कट करेंगे, क्योंकि अगर कट नहीं किया तो क्या होता है कि जो हमें फील्ड कॉइल में जो नट डालते हैं वो नट नहीं जाता, तो इससे परेशानी होती है। तो ये हम कट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये कॉइल जब हम फिनिशिंग दिया था इसलिए जल्दी से बैठ जाएगा। कॉइल को एक साइड से बिठाई देंगे सबसे पहले और दूसरे तरफ से थोड़ा सा आगे करके बैठा देंगे, तो ये जल्दी से बैठ जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद हमें क्या करना है कि जो साइड का पेपर है वो देख सकते हो कि 2-2 mm से साइड में इस तरह से आना चाहिए, नहीं तो फील्ड कॉइल बॉल्ड अर्थ हो जाएगी। तो इसलिए हम ये देख सकते हो कि हमने पेपर कट करते समय 2-2 mm इसको छोड़ दिया था। इसके बाद थोड़ा सा हाथ की सहायता से इसे थोड़ा सा साइड में कॉइल को साइड में कर लेंगे। इसके बाद हमें जो गैसकेट है वो उसमें डाल कॉइल के बीच में और स्टेटर के बीच में डाल लेना है। तो ये देख सकते हैं कि कॉइल बहुत अच्छी तरह से बैठ चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक टाई लेना है, जो हमारा जो बड़े वाला 300 mm का जो टाई आता है उससे छोटा ले तो भी चलेगा, लेकिन ये 300 mm का टाई है मेरे पास, तो हम टाई बिठा देंगे। इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइट करना नहीं है, सबसे पहले थोड़ा सा टाइट करना है। इसके बाद फिर से हमें क्या करना है कि जो कॉइल है कॉइल को थोड़ा दबाना है और जो फील्ड कॉइल का जो आईडी है, मतलब जो बीच वाला हिस्सा है गोल है, उसको थोड़ा सा साइड में कर लेना है, क्योंकि आर्मेचर उसे घिसना नहीं चाहिए। इसलिए इसे थोड़ा सा साइड में फील्ड कॉइल को ढकेल के
इस टाई को फिर से थोड़ा सा टाइट करके इस टाई को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरह से इसकी फिनिशिंग आ गई है। हमने इसको कोई भी थोड़ा भी हैमर से, जो प्लास्टिक हैमर से हम फिनिशिंग देते हैं, उसमें थोड़ा सा भी हैमर की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें फिनिशिंग लाने के लिए। ये बहुत अच्छी तरह से ये कॉइल बैठ चुका है। आप भी इस कॉइल को साइज़, जिस तरह से साइज़ अगर निकालेंगे तो आपका ये कॉइल, फील्ड कॉइल, बहुत अच्छी तरह से इसी तरह से इसका फिनिशिंग आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसका स्पीड का कॉइल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि एक ड्राइंग की मदद से इसका कॉइल, स्पीड कॉइल कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स जब हम एक स्टार्ट वाला सिरा लेते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स हम एक स्टार्ट वाला सिरा लेने के बाद हमें इसमें, इस कॉइल में 180 टर्न लगानी है। एक सौ अस्सी टर्न कम्प्लीट होने के बाद हमें वहाँ पे एक लूप निकालना है। लूप निकालने के बाद फ्रेंड्स हमें इसमें 60 टर्न लगाने हैं। इसके बाद फिर से एक लूप निकालना है और फिर से हमें 60 टर्न निकाल लेना है। तो ये हमारा थ्री स्पीड हो जाएगा, मतलब तीन स्पीड निकल जाएगा। ये हमारा जो सबसे पहले हमने स्टार्ट कनेक्शन स्टार्ट किया था वो हमारा ब्रश का कनेक्शन हो जाएगा, जहाँ पर हमें ब्रश का कनेक्शन देना है। ये ब्रश का कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे तीन वायर बचे हैं, एक दो तीन, ये हमारा स्पीड के कनेक्शन हो जाएंगे। तो हमें एक कैलकुलेशन किया है, 180, 60 और 60, तो ये हमारा 300 टर्न हो जाएगा, मतलब दोनों कॉइल में हमें 300-300 टर्न बराबर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम जल्दी से इस कॉइल को तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 180 टर्न वाला इसमें एक कॉइल करना है, 180 टर्न वाला कॉइल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम जल्दी से इसको 180 टर्न लगा के कंप्लीट करके आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमने इसमें 180 टर्न लगा के कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपको दिखाया था हमने, जो 180 टर्न करने के बाद हमें एक फिर से एक लूप निकालना है। तो हमें इसमें एक लूप निकालेंगे, एक स्ल्यू, हमारा जो बड़े वाला स्ल्यू लिया था उस साइज़ से हमें इसका लूप निकालना है। नहीं तो क्या होगा जाएगा कि जो लूप निकाला है वो कम पड़ जाएगा और स्ल्यू बड़ा हो जाएगा, फिर से स्ल्यू कट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसका साइज़ निकाल के इसको एक लूप निकालेंगे। पहला वाला लूप निकालने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसमें फिर से 60 टर्न लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम जल्दी से इसमें 60 टर्न लगा के कम्प्लीट करके आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमने वाला जो दूसरे वाला लूप है वो हमें लूप निकालना है। 60 टर्न के बाद हमें दूसरे वाला जो लूप है वो लूप निकालना है। तो फिर से हमें जो पहले वाला लूप निकाला था वही साइज से हमें इसका दूसरा वाला भी लूप निकालना है। तो ये हमारा दूसरे वाला स्पीड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका लूप निकाल के जो अगले वाले 60 टर्न है वो 60 टर्न आपको डाल के दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसमें 60 टर्न जल्दी से लगा देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसमें 60 टर्न लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसमें स्क्रू डाल के टेप की मदद से इसे कनेक्शन को फिक्स कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से हम इसमें स्क्रू डाल के इस कनेक्शन को फिक्स कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करेंगे, जो तीन कनेक्शन जिस साइड से निकले वहाँ पे हमें जो बड़े वाला स्लीव कट करके रखा है हमने, उसमें तीन स्लीव डालने, वो हमारा तीन स्पीड का कनेक्शन हो जाएंगे। और जो दूसरे वाला साइड है उसमें हमें जो छोटे वाला सिरा निकला है वो हमारा ब्रश के लिए जाएगा, उसमें हमें छोटे वाला स्लीव डाल के जल्दी से कम्प्लीट कर देते हैं। इसके बाद इस कॉइल को हम फर्मी से साइड में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसमें पेपर डाल के भी इस कॉइल को कंप्लीट कर दिए हैं, और साइड में जो हम टेप लगा दें वो टेप लगा के कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो पहला वाला जो कॉइल डाला था उसी तरह से हमने इस कॉइल को भी डाल के कंप्लीट कर देना है। इस कॉइल को डालने के बाद हमें देखना है कि पेपर सही तरह से साइड में, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा, ये 2-2 mm से साइड से पेपर छूटना चाहिए। इसके बाद हमें हाथ की मदद से इसे थोड़ा सा
कॉइल को दबा लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें गैसकेट लगा के इसमें टाई लगा के इसे कंप्लीट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम जिसे जल्दी से गैसकेट लगा के और टाई लगा के इसे कंप्लीट कर देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस कॉइल का कितना अच्छी तरह से इसका फिनिशिंग आ गया है। हमें इसमें कोई हैमर का यूज़ नहीं किया है कॉइल फिनिशिंग के लिए। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।